हाँ, और आटा नहीं गिरता है, चिड़िया नहीं चुगती है, ये है इसकी खासियत। सफेद बाजरा है, काला बाजरा नहीं जाता। अच्छा, ये अच्छा पकता है। दोस्तों नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों आज मैं आपको राजस्थान के अंदर लेकर आया हूँ, किसान भाई के खेतों के अंदर। और दोस्तों मेरे पास में है फसल बाजरे की। किसान भाई ने बहुत ही बेहतरीन वाला बाजरा लगा रखा है। कौन सी कंपनी का है और क्या नाम है किसान भाई का और कौन से एरिया के अंदर, वो किसान भाई से जानकारी लूंगा मैं। किसान भाइयों, जो किसान भाई गेहूं की खेती के बाद में, गेहूं कटाई के बाद में किसान भाई खेती करना चाहता है, गेहूं कटाई के बाद में बाजरा की खेती, देख सकते हैं बहुत ही शानदार बेहतरीन बाल वाला ये जो है बाजरे का खेत है। कैसे ये बेहतरीन तैयार हुआ और क्यों इतना शानदार खड़ा खेत खड़ा हुआ है, ना ही इसमें गिनने की समस्या है, पूरी जानकारी लेता हूँ किसान भाई से। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को अपना छोटा सा परिचय कराइए, आपका नाम क्या है? सावन राम मीना है। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम दौसा जिला के समेल गाँव के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा, तो आप किसान भाई हो? हाँ। कितना बीघा बाजरा बो रखा आपने टोटल? हमने 12 क्या 4 बीघा पक्का। अच्छा, 4 बीघा पक्का बाजरा आपने बो रखा है? नहीं, 3 साल से बो रहा हूँ मैं। 3 साल से बाजरा बो रहे हैं। देखो आपको किसान भाई देख रहे हैं, गिरता तो नहीं बाजरा आपका? नहीं गिरता। तो सबसे पहले ये बताइए इतना बेहतरीन बाजरा होने का कारण क्या है? आपने कौन सी कंपनी का बाजरा लगा रखा? स्टार कंपनी का। स्टार कंपनी का, 3 साल से बो रहा हूँ मैं। हाँ। पैदावार देता बीघा में 16 क्विंटल 15 क्विंटल हो रहा है हमारे, तो खूब अच्छी पैदावार। गिरने की समस्या तो नहीं है? गिरने की समस्या बिल्कुल नहीं। अब जैसे कि चिड़िया जो है बहुत परेशान करती है, चिड़िया उड़िया बिल्कुल नहीं चुगती है, इसको चोंच नहीं जाती है इसमें। हाँ, चोंच नहीं जाती है इसमें, चिड़िया नहीं चुगती है इसमें। ताऊ झूठ मत बोलना, आपको देख कर किसान भाई खरीदेंगे। नहीं साहब, कभी ऐसा ना हो, कभी झूठ बोल दो आप। तो किसान भाई देखो, बात करता हूँ बाल के बारे में, तो देखिए चिड़िया जो है इसमें चोंच मारेगी? नहीं मारती है। तो बिल्कुल इसमें चुभे, बिल्कुल चुभे नहीं, चुभे नहीं चुड़िया की चोंच जो है। तो इसकी जो है कि लंबाई कितनी होगी? जो है 1.5 फीट की है लंबाई इसकी। अच्छा, 1.5 फीट की लंबाई हो जाती है। अच्छा किसान भाई देखो, देखो ये 1.5 फीट, ये भी 1.5 फीट है और ये भी इधर 1.5 फीट का है टोटल जो है। बहुत ही शानदार खेत खड़ा हुआ है 1.5 फीट का। तो ताऊ जो है एकड़ में कितना निकल जाता है तुम्हारा? एकड़ में निकल जाता है हमारे 16 क्विंटल 17 क्विंटल। पिछले साल कितना निकला था? पिछले साल निकला हमारे 16 क्विंटल बाजरा निकला। 16 क्विंटल बाजरा निकलो? मैं इसको बाह रहा हूँ मैं तो 3 साल से। स्टार बढ़िया बीज लगा? बढ़िया बीज, अच्छा बीज लगा। जानकारी बीज की कहाँ से लगी आपको? आप ने बताया हमारे को, तो हमने बोला यूट्यूब पे देखो। यार ताऊ देखो, ये ताऊ रखते हैं बड़ा फोन, वीडियो देखते हो यूट्यूब पे? तो किसान भाई देखो यूट्यूब पे वीडियो देखी ताऊ ने और स्टार यूट्यूब पे चल रहा था, तो ताऊ यूट्यूब के माध्यम से आपको लाभ मिलो, लाभ मिलो। सामान तो यही बाएंगे हम तो। हाँ। यही चाहिए 114। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। अब बाजरा जो है खूब लंबा है। हाँ। 1.5 फीट की बाड़ी है इसकी और गिरता भी नहीं है, चढ़िया भी नहीं चुगती है हमारे, सही है यही पर। हाँ जी। बाजरा जब कट जाएगा यू, तो कौन सा बीज बोओगे? स्टार बाएंगे हम तो, 10-15 बीज ठेली। अरे ताऊ सच्ची सच्ची स्टार बाएंगे हम तो। किसान भाई देखो, स्टार कंपनी का दीवाना हो रहा ताऊ बिल्कुल जो है। और ताऊ ने जो है बोया हुआ है स्टार कंपनी, ताऊ बीज में जो है क्वालिटी लगी? हाँ बहुत अच्छी लगी। किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे? जो किसान भाई बहुत पैदावार दे रहा है। अच्छा, किसान भाइयों को बोलना चाहिए? हाँ, जो पूरे भारत में आप पे यकीन करेंगे किसान भाई? करें, हमारे तो हमारे बहुत मांग रहे हैं, भाई साहब ये बीज ले आना, भाई साहब ये बीज ले आना। ये जो बीज बताओ आपका स्टार, तो हाइब्रिड है? कौन सा है? हाइब्रिड है। अच्छा हाइब्रिड है। तब सिंचाई की बात करते हैं? सिंचाई में पानी कम लगता है हमारे, तो बरसात से हो गया, तो पानी नहीं लग गया, ऐसे हो गया। एक आध पानी दिया नहीं? एक पानी दिया हम तो, दिया नहीं पानी। अच्छा, गिरने की समस्या तो नहीं, नहीं है? नहीं यार, 80 दिन में तैयार हो गई है, सारा 80 दिन में तैयार हो गया। 80 दिन में पक गो? हाँ 80 दिन पक गया। किसान भाई देखो, 80 दिन के अंदर पककर बिल्कुल तैयार। कह देंगे काट दो बताऊँ? अब काट देंगे, 1-2 रोज में काट देंगे हम। कोई शिकायत तो नहीं लगी? कोई शिकायत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जो है किसान भाइयों ने यहाँ पर बो रखा खूब? हाँ बो रखा साहब। तो जैसा आपने पिछले साल बताया कि मेरे खूब निकलो, जल्दी तो अब मांग उठ रही है, आप बाएंगे और ज्यादा बाएंगे, 10-15 थैली ले आओ। अच्छा उसकी सरसों की? सरसों की। वाह किसान भाई देखो, बाजरा काट के 10-15 बीज बोगे सरसों को? है सरसों को बोएंगे। तो किसान भाई देखो, इस जो है ये बीज है बाजरे का हाइब्रिड बोया हुआ है और कम लागत के अंदर ये हो जाता है। किसान भाई ने पैदा हो जाता है ये, बिल्कुल बिल्कुल। और आटा नहीं गिरता है, चिड़िया नहीं चुगती है, ये है इसकी खासियत। क्वालिटी वाला है? हाँ क्वालिटी वाला है। अच्छा लंबाई की बात करूँ तो कितनी लंबाई की है? लंबाई 10 फीट। 10 फीट लंबाई? 10 फीट में गिर जाना चाहिए। गिरता है साहब, 8-10 फीट का है। अच्छा 1.5 फीट का सरा है। हाँ। सेटा।
अच्छा अच्छा क्वालिटी एकदम बिल्कुल एक नंबर। तो किसान भाइयों, आज मैंने आपको जो दिखाया स्टार कंपनी का हाइब्रिड बाजरे का बीज दिखाया, मेरा मकसद था कि किसान भाई से जानकारी लूं, क्योंकि देख सकते हैं कितना शानदार बीज इनका जो है खड़ा हुआ है। सफाई के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो है दाने में सुनहर बना है बिल्कुल एकदम बिल्कुल साफ सुथरा। मंडी में कैसा बिकता है? मंडी में बहुत ज्यादा जाता है, सफेद है इसलिए बहुत ज्यादा। झूठ बोल रहे हो तुम भाई साहब, सफेद बाजरा है, काला बाजरा नहीं जाता। अच्छा, ये अच्छा बिकता है, हमारे को तो यही बीज चाहिए साहब, स्टार। वाह कमाल, तब ठीक है साहब। किसान भाई देखो, किसान भाई ने हमें कह दिया कि हमें तो चाहिए हाइब्रिड का बाजरा, तो कमाल का बीज है। दोस्तों, आप जो आने वाले समय के अंदर जो बाजरे की बिजाई करते हैं, कौन सा बीज का चयन करें, इसके अंदर मुनाफा काफी अच्छा है। और तब बताओ, जैसे तुम्हारी जमीन बिल्कुल रेतली है, जमीन में तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। खाद पानी दियो? नहीं, खाद नहीं दिया हमने। अच्छा, बगैर खाद हुई है, बगैर पानी, एक पानी दिया जिसमें हो गया हमारे तो। अच्छा, 80 दिन में तैयार हो गया। स्टार कंपनी का धन्यवाद करो। स्टार कंपनी धन्यवाद साहब, हमारे को यही बीज चाहिए। वाह गजब गजब। तो किसान भाइयों, आज मैंने आपको दिखाया स्टार कंपनी का स्टार हाइब्रिड बाजरे की वैरायटी। तो आप भी जो खेती करना चाहते हैं बाजरे की, और खेती में जो आप लाभ लेना चाहते हैं, तो आप कम समय के अंदर इसमें पकान हो जाता है और चिड़ियों की कोई समस्या नहीं है, आप बाजरे की खेती इसमें कर सकते हैं। दोस्तों, मिलता हूँ ऐसी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।